पाकिस्तान से लेके अफ्रीका तक, पाकिस्तान से लेके यूके तक, पाकिस्तान से लेके यूरोप, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक, पाकिस्तान से लेके कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो पाकिस्तानी माफिया इन्वॉल्व नहीं होता, जो पाकिस्तानी दोलंबरी नहीं करते, जो पाकिस्तानी गैर तरीके, गैर कानूनी तरीके के साथ डेंकी लगाते हैं और लोगों की जान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक गाइस, अली मुगल व्लॉग। गाइस क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक हूँ। गाइस आज का जो व्लॉग है जी, इसमें हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जेंट माफिया बैठा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो जेंट माफिया बैठा हुआ है, वो कैसे इंसानी स्मगलिंग करते हैं, कैसे बंदों को पकड़ के वो अनलीगल तरीके के साथ दूसरी कंट्री में पहुँचाते हैं, इसी व्लॉग में हम आपको सब बताएंगे। आपने मेरा चैनल लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का। तो गाइस मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि जो पाकिस्तान के जो जेंट है ना, वो कैसे पाकिस्तानियों को पकड़ के बाई एयर लीबिया लेके जाते हैं, और लीबिया से पूरी उनकी जो आगे गेम होती है, कैसे समुंदर के ज़रिए इटली लेके जाते हैं। अगर कोई बंदा लीबिया जाके अगर उनको बोल दे कि मैंने नहीं जाना है, और वो उनको शूट भी कर देते हैं। ये मैं एक साथ में एक वीडियो लगाता हूँ, ये आप देखें तो देखे खुद ही अंदाज़ा करे, ये भाई भी लीबिया से इटली समुंदर के रास्ते डेंकी लगा के आया है, और ये जो बात बोल रहा है, ये 100% ये बात लड़का बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये वीडियो देखिए आप। नहीं संत पीर साहब, तो पहले तो ये दसो पाकिस्तान चो लीबिया किंज पहुंचे हो? पाकिस्तान तो लीबिया जेड़ा ना भाई है रिया आया, पहले अच्छा। दुबई दा वीजा है, दुबई अच्छा। तो जेड़ा मिस्र आया, अच्छा मिस्र आई कोई 24 घंटे स्टे, मिस्र तो फिर डायरेक्ट ली 24 घंटे 24 घंटे स्टे, एक दिहाड़ स्टे सी, एक दिन स्टे आई, खान पीन पैड़े वीजे साना सही हो गया, तो कोई मसला नहीं बना पाकिस्तान एयरपोर्ट से जाके पीछे? नहीं नहीं, एफआईआर नाल मुक्के होंदे ना, मसला कोनी बंदा, मतलब के काम खराब ही है? हां काम खराब खराब ही। अच्छा लीबिया सोखे पड़ा है? लीबिया सोखे। अच्छा हुन दसो लीबिया किन्नी जलालत होई है अपना? लीबिया ते जेड़ा ना निरी मौत है, निरी मौत है। सुन रो जी, सुन लो अपना लीबिया ते मैं ना कोई दुश्मन होवे ना, बताओ जी गल है लीबिया ना, सुन लो भरावो सारे सुन लो, लीबिया जेड़ा ना निरी हारश है, एक हां तो जेड़ी मेन चीज है खारिश। लीबिया बंदा आ जावे ना, बंदा बड़ा पैड़ा फास जांदा है, बंदा पिछा जाने जो गए, मेरा एजेंट है ना फौत हो गया है, और पिछा गया तकरीबन जेड़ा ना 5000, ये बंदा जो है बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये लड़का जो इसके साथ हुआ है, ये वो कुछ बता रहा है कि कैसे उधर माफिया जो है पाकिस्तानी खंजीर सुअर के बच्चे क्या कुछ उधर करते हैं, और वैसे ही जो है सुअर वो लिबन में भी है, पुर्तगाल में भी है, ऐसे बहुत जड़ा ना मुश्किल जो बंदों के साथ लीबिया कितना चल रहे हो, पैसे ही ले लेते हैं, काम नहीं कराते, वो खाइए के सो खाइए, बड़ा ओखा तौबा करनी चाहिए, सही हो गया। सी आए हैं ना दो बार गए, त्रै बार गए मां की, तीसरी बार अपने आ, दो बार फटी गए आई, अच्छा जेल ले बैठ और गए, फटी गए ले के वीजा को नहीं चलिया, वीजा शीजा को नहीं ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲੇ ਵੇ ਲਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈਏ ਕੋਈ ਐਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਣਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਆਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਦਿਆ ਇਨਸੀਰਤ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਗਾਜ਼ੀ ਛੜੀ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਇਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਕਦੀ ਨਾ ਆਓ ਲੀਬੀਆ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਯੂਰੋ ਲੱਗੇ ਜੇ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕਿਆ ਹੀ ਤੱਕੇ 5000 ਯੂਰੋ 5000 ਯੂਰੋ 5000 ਯੂਰੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਪ ਆਈ 100 ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ 5000 ਯੂਰੋ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੋਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਾਗੇ ਜਾ ਜਾਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ 17 ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਕਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੇ ਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 150 ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕ 150 ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਾ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਆਈ ਫਾਰੈਸਟ ਪਿੱਛੋ ਕਈ ਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਡੈਂਕੀ ਲਗਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ
तो जो तुर्की की डेंकी है ना बाई रोड जो है खुशकी रास्ता वो 100% ठीक है, वो फिर भी ठीक है वो। उधर ये होता है कि उधर बंदा ना चंडा चुंडा खा के पहुंच जाता है, मगर ये जो समुद्र अच्छा वीडियो बनवा लेंदे ने पहला ये बहुत है जी जनाब जा रहे हो फिर। तो गाइस अगर मेरे किसी भी भाई ने अगर कोई डेंकी अगर लगानी भी है ना यूरोप की, तो आप लीबिया की तरफ से आप मत आओ यार। लीबिया जो है ना उधर 100% मौत है, 99% नहीं 100% आप लोगों की उधर मौत है। अगर आप लोगों ने अगर डेंकी लगानी ही है तो जो खुशकी रास्ता है ना जो पाकिस्तान से ईरान तुर्की यूनान वो फिर भी बेहतर है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इधर पाकिस्तान से लीबिया, लीबिया से फिर इटली आना, ये भाई बहुत खतरनाक ये रास्ता। ये अगर आप लोगों की जान है तो सब कुछ है, तो जो पाकिस्तानी जेंट हैं वो तो बगैरत सुअर के बच्चे हैं, वो तो उनको सिर्फ पैसे आने चाहिए, आपकी जान से चली जाए उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं है। मगर आप जो है डेंकी अगर लगानी है जैसे मैंने आपको बोला है, आप तुर्की जो रास्ता है ना खुशकी वो फिर भी बेहतर है बिलफर्ज। अगर आप उधर अगर आप यूनान में अगर आप बुल्गारिया में अगर पकड़े भी जाते हो ना आप, तो वो आपको ना बंद कैंप लगा देते हैं, जेल होती है तो 3 माह की 4 माह की, मगर उसके बाद जो होता है ना बंदा छूट भी जाता है, फिर आगे 100 रास्ता निकलता है, मगर वो सारा खुशकी रास्ता है। मगर ये जो है ना लीबिया वाला, ये लीबिया जो है ना भाई ये बहुत ख़तरनाक है, जान है तो सब कुछ है। आप लोगों ने अपनी जान की तरफ देखें, अपने आप माँ बाप बहन भाइयों के बारे में भी आप सोचा करें ना। ये तो है ना पाकिस्तान के अगर हालात ख़राब हैं तो लीबिया चले गए जेंट के थ्रू, तो जेंट लीबिया से फिर इटली आ गए, क्योंकि जो माफिया है ना वो पाकिस्तानी जितने भी जेंट हैं, जेंट पाकिस्तानी इधर लिविज़म में भी बहुत हैं, पुर्तगाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा जेंट हैं जो किसी के पैसे खाते हैं, किसी को पैसे ले के पेपर 2 नंबर तैयार करवा दिए, किसी के फाइल ला करवा दी। अगर यार क्या बोलूँ यार इन जेंटों को मैं, प्लीज़ अगर आप जो है ना आप डेंकी अगर लगानी है तो आपने आप बाई रोड आओ, तो जो